जो हैं इस वक्त बदकिस्मती तो यह है, मुझे इस पे बहुत दुख है कि हमारे मुल्क की जजिस की जो मरात है, पर्क एंड प्रिविलेजेस हैं, उसमें पाकिस्तान की जुडिशरी तकरीबन 10 ममालिक जिनको पर्क एंड प्रिविलेजेस जजिस को मरात और सहूलियात मिलती है उसमें आती हैं, और इंसाफ की फराहमी में हमारी जुडिशरी का नंबर है 124वां। मुझे हैरत होती है, ये तो अफसोस की बात यह है कि जजिस की मरात और सहूलियात में पाकिस्तान 5 और 10 पहले 10 ममालिक पे है दुनिया में, और इंसाफ की फराहमी में पाकिस्तान 124वीं नंबर पे हैं। मिस्टर चेयरमैन, हमारा जो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल है 2020 की जो सर्वे है उसमें 180 ममालिक में हमारी जुडिशरी 120 नंबर पर आ गई है, और हमारी जजिस की तनख्वाहें इतनी ज्यादा हैं कि एक जज की पेंशन जो है वो 6 और 7 लाख हैं। और मुझे नेशनल बैंक के एक बंदे ने बताया कि जिस दिन किसी जज की पेंशन की अदायगी होती है तो हम बाकी पेंशन से कहते हैं कि आज चले जाएं, आज बाकियों को अदायगी नहीं हो सकती। इतनी बड़ी तादाद में तो पेंशन लेते हैं, लेकिन इंसाफ कहां है? मरात है, सहूलियात है, तनख्वाहें हैं, पेंशन है, प्रोटोकॉल है, लेकिन 2.1 मिलियन पेंडेंसी है और कोई इंसाफ लोगों को नहीं मिल रहा, और सुप्रीम कोर्ट का और आला अदालतों का दरवाजा वो सोने की चाबी से खुलता है। जिसके पास सोने की चाबी नहीं है उसको अदालत तक रसाई मुमकिन नहीं है। इंसाफ खास तबके तक महदूद है, गरीब आवाम पाकिस्तान की अदालतों से, इंसाफ से वो महरूम है। मिस्टर चेयरमैन, जज साहिबान कहते हैं कि कोई सेक्रेट काव नहीं है, कोई सेक्रेट काव नहीं, कोई मुकद्दस गाय नहीं है, लेकिन मैं जज साहिबान से पूछता हूं, जब यह पेंडेंसी है, जब आप लोगों की कारकर्दगी यह है, तो क्या कंटेंप्ट ऑफ कोर्ट की आड़ में आप लोग सेक्रेट काव तो नहीं बने हुए? कंटेंप्ट ऑफ कोर्ट की आड़ में, तोहीन अदालत की आड़ में, क्या हमारे आला अदलिया और हमारे जस्टिस साहिबान वो खुद सेक्रेट काव तो नहीं बने? अगर उनका कोई अकाउंटेबिलिटी का निजाम है, अगर कोई उनका खुद एहतसाबी का निजाम है, अगर उनके खुद कोई जायजा और परफॉर्मेंस को गेज करने का निजाम है, तो फिर 2.1 मिलियन मुकदमात पाकिस्तान की अदालतों में क्यों है? इसलिए मिस्टर चेयरमैन, ये एक बहुत बड़ा इशू है, और मुझे तो हैरत है। मैं जज साहिबान से कहता हूं, आप लोग सियासत में तो मुलविस होते हो, आए दिन वाकयात आते हैं, जैसे आज भी हमारे सेनेटर तारण साहब ने एक बात की, आप लोग जो हैं बहुत से इशू के ऊपर सोमोटो चीजें तो लेते हैं, लेकिन ये इंसाफ की फराहमी के ऊपर आप डैम बनाते हैं, और मुख्तलिफ चीजों के ऊपर जो आपका काम ही नहीं है उसकी तरफ जाते हैं, लेकिन जो आपका बुनियादी काम है पाकिस्तान के आवाम को इंसाफ फराहम करना, उस इंसाफ की फराहमी अभी तक क्यों मुमकिन नहीं हो सकी है? और दिन ब दिन पाकिस्तान में यह पेंडेंसी जो है वो क्यों बढ़ रहा है? कौन सा माफिया है जिसको अदालतों ने पकड़ा है? आप पानामा पेपर्स का, आप पेंडोरा पेपर्स का, आप चीनी माफिया का, आप पेट्रोल माफिया का, आप इस तरह के माफिया को देख के कौन सा माफिया है जिसको हमारे अदालतों ने एक्सपोज किया है, जिनके एहतसाब किया है, और जिनको जो जुल्म उन्होंने आवाम के साथ किया है उनका उनके साथ हिसाब किताब हुआ है। इसलिए मिस्टर चेयरमैन, ये एक बहुत बड़ा इशू है, और हमें इस हाउस को इसके ऊपर मैं कुछ तजावीज भी देता हूं, जैसे कि मैं हर चीज, एक तो यह है कि ये जो खाली असामियां हैं इसको पूरी तौर पर पूर किया जाए, फौरी तौर पर पूर किया जाए। 10 मिनट मुझे बोलने का मेरे ख्याल में हक है अपने मोशन के ऊपर। प्लीज आप बोलें जी, प्लीज। ठीक है, तो मैं ये अर्ज कर रहा हूं कि जो खाली पोस्ट पड़ी हैं जजिस की तकरीबन 1048, एक तो इसको पूर किया जाए और जजिस की तादाद बढ़ाई जाए, जजिस की तनख्वाहों को आधा करके उनसे आधे नए जजिस भर्ती किए जाए। इतने जो पाकिस्तान के खजाने का बात की है गफूर हैदरी साहब, सेनेटर साहब ने, कि खजाना के अंदर पैसे नहीं है, जो इतनी बड़ी बड़ी तनख्वाहें ले रहे हैं तो उन तनख्वाहों को आधा कर लें और उससे आधे इतने मजीद जो हैं जजेस जो हैं वो भर्ती किया जाए, सेकेंड शिफ्ट शुरू की जाए, वीडियो लिंक और टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाए ताकि उसके जरिए से लोगों को इंसाफ की फराहमी हो, और लीगल मैटर्स के ऊपर जजेस की ट्रेनिंग की जाए। इतने कमजोर फैसले, खुद हमें उसका तजुर्बा होता है, मुशाहिदा होता है कि लीगल मैटर्स के ऊपर जजिस की गिरफ्त नहीं है, उनकी ट्रेनिंग लीगल मैटर्स के ऊपर ताकि बेहतर फैसले आए और कम वक्त में आए। और इसी तरह जो बार काउंसिल एक्ट है जिसमें वकला पेश नहीं होते उसके लिए कोई तादाद मुतय्यन की जाए ताकि केसेस जो है वो प्रोलॉन्ग ना हो और इंसाफ की फराहमी से लोगों को उसको महरूम ना रखा जा सके। इसलिए मिस्टर चेयरमैन, इन लोग भूखे रह सकते हैं, लोग नंगे पांव रह सकते हैं, लोग
अपने दूसरे हुकूक के ऊपर भी कंप्रोमाइज कर सकते हैं, लेकिन इंसाफ के बगैर कोई नहीं रह सकता। इंसाफ नहीं होगा तो बदमनी होगी, इंसाफ नहीं होगा तो इस्तेराब होगा, इंसाफ नहीं होगा तो तबकाती तकसीम होगी, इंसाफ नहीं होगा तो एक रूलिंग इलीट इस्तेहसाल करेगी, एक्सप्लाइटेशन करेगी, इस्तेहसाली तबका वो इस्तेहसाल करेगा आवाम का। इसलिए इंसाफ की फराहमी बुनियादी चीज है, बाकी चीजों का नंबर उसके बाद आता है। तो उसके लिए हमें कलेक्टिवली कुछ एफर्ट्स करनी चाहिए ताकि हम अपने आवाम को कम से कम इंसाफ फराहम कर सकें। बहुत शुक्रिया।